हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.4 समझाऊंगी। ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, फिर हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से कंप्लीट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। आपसे कह रहे हैं यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखे हैं। जैसे कि आप देख लो, इन तीनों पार्ट्स में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं। आपको कह रहे हैं इनका नेचर ऑफ रूट्स बताओ कैसे होंगे। सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ रूट्स हमें कैसे पता चलते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर ये तीन पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर कैसे, रूट्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है। तो अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। तो उनका नेचर ऐसा होगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे दोनों। अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, तो दोनों हमारे इक्वल रियल रूट्स आएंगे, मतलब दोनों एक जैसे रूट्स आएंगे। और अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू 0 से कम हुई, इसका मतलब नेगेटिव में हुई, तो उसमें रियल रूट्स है ही नहीं, तो नो रियल रूट्स है उसके नेचर। ठीक है, तो अब ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है क्या। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म आप सभी को पता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। तो यहाँ से आप इजिली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल सकते हो, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देगी। तो जब आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लोगे, उसी के बाद आप उसका रूट्स का नेचर बता सकते हो कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं या इक्वल रियल रूट्स हैं या फिर नो रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार, आपकी एनसीईआरटी बुक में है। चलिए आते हैं हम वापसी अपने क्वेश्चन पे। तो हमको यही बताना था, तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। यही आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप क्या करो, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो चलो इसे कंपेयर किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, बी की वैल्यू माइनस 3 आ गई और सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आया या फिर 0 से बड़ा आया या फिर 0 से छोटा आया, उसी पे ही डिपेंड करेंगे आपके नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, तो बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 ए का मतलब 2 हो गया और सी का मतलब 5 हो गया। तो माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर 5 2 10 माइनस 40, तो आप देख रहे हो जो डी की वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी, आएगी ना। तो डी की वैल्यू यहाँ पर 0 से छोटी आ रही है। जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो नो रियल रूट्स होते हैं। बस यहाँ लिख दो, therefore no real root is possible for the given equation। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे वो कह रहा था, अगर आपके पास रियल रूट्स हैं तो आपको वो रूट्स भी निकालने हैं, लेकिन इस वाले पार्ट में तो रियल रूट्स है ही नहीं, तो हमें रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलिए सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो पहले सेकेंड पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3x² माइनस 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। पहले इसको हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 3 है और b की वैल्यू हमारे पास माइनस 4√3 है और c की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, चलिए अब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 4√3 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह 3 और सी की जगह 4। ठीक है, अब जब हम माइनस 4√3 का स्क्वायर निकालेंगे तो इसको दो बार इंटू करेंगे, तो 4 4 जाए तो 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और √3 × √3 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 48, माइनस 4 4 16 × 3 48। आप देख रहे हो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है। अब जब डी की वैल्यू 0 के बराबर है तो जो इसके रूट्स हैं वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफोर,
रूट्स आर रियल एंड इक्वल फॉर द गिवन इक्वेशन। अब जब इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हमारे को वो रूट निकालना पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पर। चलिए रूट कैसे निकालेंगे हम, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए। ये आपने फॉर्मूला पहले भी किया है एक्सरसाइज 4.3 में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसी से ही निकालते हैं रूट्स। तो देखो अभी आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू यहाँ पर निकाली है, जीरो है, निकालिए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में टू ए। तो b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी है, आप क्वेश्चन में अपने देखे तो माइनस फोर रूट थ्री है, ठीक है, और a की वैल्यू आपके पास थ्री है। तो चलिए ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा a की वैल्यू कितनी थी, थ्री थी, तो ये आ जाएगा आपके पास फोर रूट थ्री अपॉन में सिक्स। कट कर दें, ये टू पे कट हो रहा है और ये थ्री पे, तो x कितना आ जाएगा, टू रूट थ्री अपॉन में थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो बस आ गए आपके पास रूट्स आर टू रूट थ्री अपॉन में थ्री कॉमा टू रूट थ्री अपॉन में थ्री, ये आपके रूट्स आ गए, क्योंकि जीरो के बराबर था ना d, तो इक्वल और रियल होंगे तो इक्वल, तो दोनों रूट सेम आएंगे। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट। चलिए अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, पहले हम ये पार्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, 2x square minus 6x plus का 3 is equal to 0, इसको कंपेयर करते हैं ax square plus bx plus c is equal to 0 से, जहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 2 है, b की वैल्यू हमारे पास minus 6 है और c की वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो d निकालते हैं, चलो b square minus 4ac, देखते हैं कि d जो है वो 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा आएगा या 0 के बराबर आएगा। तो माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह टू और सी की जगह थ्री, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 36 माइनस टू फोर जा एट और एट थ्री जो हो जाएगा यहाँ पर 24, तो डी की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पर 12, जो कि जीरो से बड़ी है, तो डी की वैल्यू जीरो से तो बड़ी है, तो इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो रियल होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग रूट्स होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफोर डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब रूट्स निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में टू ए, यही है ना फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह अगर मैं यहां पर बी की वैल्यू रखूं तो माइनस सिक्स थी, प्लस माइनस अंडर रूट, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपने अभी निकाली है 12 है, तो यहाँ पर सीधा आप 12 पुट कर दो, आपको दोबारा वही ए और सी और बी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। ए की जगह क्या रख दोगे, आपके पास ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें, 2 दे रखी है, यहाँ पर हमने लिख दिया 2। तो एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, अब आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो अगर आप 12 के फैक्टर्स यहाँ निकालो तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जाए, तो आप क्या लिख सकते हो, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 4। तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट से बाहर निकल जाएगा अपॉन में 4 ऐसी। अब आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन में 4, कट किया तो 2 आ गया, तो x कितना आ गया आपके पास, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। बस रूट्स आ गए, दो रूट्स चाहिए, दोनों आ गए, रूट्स आर 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो दो रूट्स हमारे ये निकल गए। क्लियर हो गया, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपसे यहाँ कह रहा है आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको बता रखा है कि जो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं,
तो अगर आपको याद हो, जब इक्वल रूट्स होते हैं तो डी जो है वो हमारा 0 के बराबर होता है। ये तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि जब डिस्टिंक्ट रूट होते हैं तो डी जो है वो 0 से बड़ा होता है, नो रियल रूट में डी जो है वो 0 से छोटा होता है, और इक्वल रूट में डी जो है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो वही चीज अब हम यहाँ यूज करेंगे। देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ax² + bx + kc से पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास 2 निकल गई, b की वैल्यू हमारे पास k निकल गई, और c की वैल्यू हमारे पास 3 निकल गई। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या निकलेगी, b² - 4ac। अब d की जगह तो मैं यहाँ पर 0 रख सकती हूँ, b² की जगह k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। और यहाँ पर लिख देती हूँ कि हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रूट्स आर इक्वल। इसलिए हमने d की जगह पर 0 रख दिया। ठीक है, तो अब 0 इज इक्वल टू k² - 24 + 8 = 3 = 24। तो k² इज इक्वल टू 24 आ गया। तो k² जैसे ही यहाँ से स्क्वायर हटाओगे आप, यहाँ पर रूट लग जाएगा, लेकिन आगे प्लस माइनस जरूर लगेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब 24 के फैक्टर्स निकालूं क्या मैं यहाँ पर, तो 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो 2 × 2 × 2 × 3, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों पेयर से एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा, 6। यही आपकी k की वैल्यू है। क्लियर हुआ, रूट्स इक्वल है इसलिए हमने d की जगह पर 0 रखना है बस। चलिए एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो भी यहाँ पर कर लेते हैं। ये है आपके पास सेकंड पार्ट। ठीक है, पहले हम यहाँ पर पार्ट लिख लेते हैं। तो kx x - 2 + 6 = 0 है। आप ऐसा करो, पहले kx को ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दो, तो kx² - 2 kx + 6 = 0 हो जाएगा। अब आप इसे कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से, तो आप देखोगे a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, k मिलेगी, b की वैल्यू आपको माइनस का 2k मिलेगी, और c की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। अब हम d निकालें, वो होता है b² - 4ac। d की जगह पे क्या रख देंगे हम, 0। क्यों, क्योंकि रूट्स जो है वो मेरे इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो b² मतलब -2k² - 4a की जगह k और c की जगह 6। 0 इज इक्वल टू 4k² - 24k². ठीक है, यहाँ तक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, 4k को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा k - 6। तो अब k - 6 = 0 हो गया। 4k जब दूसरी साइड पे गया, डिवाइड बन के वो 0 बन गया। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ पर एक बार तो 6 आ गई। ठीक है, उसी तरीके से एक बार आप k - 6 को दूसरी साइड पे ले गए तो 4k = 0 आएगा। तो k की वैल्यू 0 आ गई। तो k की दो वैल्यूज निकल के आ गई, 0 और 6। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन है आपके पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कह रहा है क्या ये पॉसिबल है कि आप एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करो जिसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस है। अगर ऐसा पॉसिबल है, एरिया आपको दे रखा है उसका, अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप लेंथ और ब्रेथ निकालो। तो हम क्या करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ना उसके रूट्स चेक कर लेते हैं। अगर रियल और इक्वल होए तो पॉसिबल है, और रियल और डिस्टिंक्ट होए तो भी पॉसिबल है, लेकिन अगर नो रियल रूट्स होए जिसमें डी जो है वो 0 से छोटा होता है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए फिर वही करते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, यहाँ देखो लेंथ और ब्रेथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ के। तो चलिए लेट कर लेते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैंने ब्रेथ को एक्स मान लिया,
ठीक है, उसी तरीके से फिर लेंथ निकल जाएगी यहाँ पर, वो इसकी ट्वाइस थी ना हमारे पास, तो जब ये एक्स है तो फिर लेंथ कितनी होगी, टू एक्स, ट्वाइस कर देते हैं उसको। ठीक है, अब आपको एरिया दे रखा था, तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया मुझे 800 दे रखा है, ठीक है, आप ना इनके आगे मीटर लगा देना, क्योंकि आपको एरिया जो है वो मीटर में ही दे रखा था। लेंथ आपके पास 2x है, ब्रेथ आपके पास x है, तो यहाँ पर 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो गई। 800 अपॉन में 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको इससे कट किया तो 400 आ गया। एक्स स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 400। यहां से आप इस 400 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो हमने देखा यहाँ पर जब कंपेयर किया तो ए की वैल्यू तो 1 आ रही है, बी तो है ही नहीं यहाँ, क्योंकि एक्स वाली टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो क्या लें, बी की जगह तो 0 ही आएगा, और सी आपके पास माइनस का 400 आ रहा है। ठीक है, अब डी निकाल के देख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 1, और यहाँ पर है सी की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी दे रखी है, माइनस का 400। क्लियर है यहाँ तक, तो डी इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस का 1600, तो डी तो 0 से बड़ा आ रहा है ना, जब डी 0 से बड़ा आ रहा है तो जो इसके रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं, देयरफोर द इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब रूट्स निकालें, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a है, तो बी की वैल्यू तो यहाँ पर 0 ही है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac था 1600 अपॉन में 2a। ठीक है यहाँ तक। अब इसके आगे अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 1600 का रूट है तो मैं जब बाहर निकालूंगी तो 40 आ जाएगा, और ए की जगह, अच्छा ए की जगह आप यहाँ पर 1 रख दो तो ये 2 आ गया, इसको इससे कट किया तो 20 आ गया। अब एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकल के आई प्लस माइनस 20, तो आप देखो तो यहाँ पर 20 लिया जाएगा, क्योंकि माइनस 20 तो ब्रेथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती, एक एक्स की वैल्यू 20 है और एक एक्स की वैल्यू माइनस 20 है, तो ये तो आपके लिए नॉट पॉसिबल है ना, क्योंकि लेंथ ब्रेथ जो ये डायमेंशंस होती है ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होती ना, तो लो आपकी ब्रेथ यहाँ पर निकल गई, एक्स माना था ना आपने उसे, वो निकल गई 20 मीटर, और लेंथ आपने क्या माना था, यहाँ पर लेंथ आपने माना था 2x, तो वो आपकी निकल गई 2 × 20, तो वो कितनी आ गई, 40 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आप जब यहाँ पर लिखो ना तो इसके साथ साथ ये भी लिख देना कि आप जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोवे वो डिजाइन कर सकते हो, हेंस द डिजायर रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप ये बना सकते हो, तो हाँ बना सकते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, एक सिचुएशन दे रखी है, क्या वो पॉसिबल है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, अगर पॉसिबल है तो आपको उसमें प्रेजेंटेज निकालनी है। ठीक है, सिचुएशन आपको यहाँ नीचे दे रखी है, कह रहा है यहाँ पर द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, दो फ्रेंड्स हैं उनके एजेस का सम कितना दे रखा है, 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, 4 साल पहले देखा जाए ना तो उनकी जो एज है उनका अगर आप प्रोडक्ट करते तो 48 होता। तो दो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी है, दो फ्रेंड है, अगर आप आज के टाइम पे उनकी एज को प्लस करोगे तो 20 आएगा, 4 साल पहले उनकी एज देखोगे तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, सेम वही चीज हम रूट्स निकाल के देखते हैं कि उनका नेचर कैसा है, तभी हम बता पाएंगे। हाँ ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर है, लेट कर लेते हैं। चलो लेट क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी एक्स ईयर्स। एक फ्रेंड की एज मैंने मानी एक्स ईयर है, तो फिर दूसरे फ्रेंड की कितनी होगी? देखो दोनों फ्रेंड की एज का सम दे रखा था 20, तो एक की एक्स है तो दूसरे की मैं 20x मान सकती हूँ ना। तो प्रेजेंट एज ऑफ द अदर फ्रेंड, अदर फ्रेंड की कितनी होगी यहाँ पर? 20 माइनस एक्स ईयर, ठीक है। अब 4 साल पहले देखते हैं, चलो 4 साल पहले इनकी क्या एज होगी, 4 ईयर एगो। तो एज ऑफ वन फ्रेंड जिसकी एक्स थी आज के टाइम में 4 साल पहले, उसकी एक्स माइनस 4 ईयर्स होगी, और एज ऑफ अदर फ्रेंड जिसकी आज के टाइम पे 20 माइनस एक्स है, तो उसकी 4 साल पहले कितनी होगी? 20 माइनस एक्स और -4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब आपको इन दोनों की एज का, जो 4 साल पहले थी उनका आपको प्रोडक्ट दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक्स माइनस फोर और 16 माइनस एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट 48 गिवन है। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट -4 सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट से, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से अंदर, तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब 4 को 16 से करेंगे तो -64 प्लस 4x आएगा। अब 16x में 4x प्लस किया तो 20x आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इज इक्वल टू 48। ऐसा करते हैं इन तीनों टर्म्स को भी 48 के पास ही ले जाते हैं, तो वो प्लस का 20x प्लस का एक्स स्क्वायर, और नहीं 20 तो माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, 64 माइनस का था प्लस का हो गया, ठीक है। अब 48 में 64 प्लस कर देते हैं, तो 20x स्क्वायर माइनस 20x प्लस, जब आप प्लस करोगे तो आपका आएगा यहाँ पर 112। अब डी निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमारे को पहले कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू यहाँ पर तो 1 है मेरे पास, बी की वैल्यू मेरे पास -20 है, और सी की वैल्यू मेरे पास 112 है। तो डी देखते हैं कैसे निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 112, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 400, 400 ही आएगा, और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 488। आप देख रहे हो डी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है इस बार, तो नो रियल रूट का केस है ये, तो आपके पास 0 से छोटी है, और एज तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर नो रियल रूट इज पॉसिबल। और जब रियल रूट पॉसिबल नहीं है तो हम एज नहीं निकाल सकते, तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है फॉर फॉर दिस इक्वेशन, एंड हेंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन, फिर हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों कंप्लीट। क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सेम दोबारा वही पूछ रहे हैं, क्या पॉसिबल है आप एक रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हो जिसका पेरीमीटर और एरिया आपको दे रखा है, और अगर ऐसा है तो आप लेंथ और ब्रेथ निकालो। फिर तो रूट्स पे डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे आएंगे, चलिए देखते हैं। फिर यहाँ पर लेट करनी पड़ेगी लेंथ और ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ होगी। लेट दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी एल एंड बी, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मेरे पास होता क्या है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी,
ये 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी आ जाएगा। यहां से एल प्लस बी की वैल्यू निकल के आ गई 40। 2 यहाँ मल्टीप्लाई करता है दूसरी साइड आके डिवाइड का हो गया। तो मैंने यहां से बी की वैल्यू निकाल ली 40 माइनस एल। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन थी एरिया की। एरिया होता क्या है मेरे पास, एल इंटू बी, और एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन था क्वेश्चन में मुझे, 400 गिवन है। तो मैंने यहाँ 400 ही लिख दिया, एल की जगह एल, और मैंने ना बी की जगह बी की वैल्यू लिख दी है। तो 400 इज इक्वल टू 40 एल माइनस एल स्क्वायर, बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साइन चेंज करते हैं, चलो इसको इधर लेके गई, प्लस का हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस का था, माइनस का हो गया। प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम क्या करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस का 40 आ रही है, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 400 आ रही है। बस डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b मतलब माइनस 40 का स्क्वायर, माइनस 4a मतलब 1, और c मतलब कितना हो गया, 400। तो 40 का स्क्वायर तो 1600 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1600 है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और जब d की वैल्यू 0 होती है तो इसमें रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, होते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, देयर फोर दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है ना इसका मतलब, एंड हेंस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। आपसे पहले तो यही पूछ रहा था ना, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। हाँ, अगर नो रियल रूट्स निकलते तो ये नॉट पॉसिबल थे। अब पॉसिबल है तो रूट्स निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो देखो, x इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास 40 थी माइनस की, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 ही आया था, और a की वैल्यू 1 थी। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 40 अपॉन में 2 आ गया, जो कि हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 20। अब आप एक बार एक चीज ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पूरे क्वेश्चन में x लेती गई हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ l और b माना था ना, l और b। तो अगर आप देखो यहाँ पर, तो जो आपने यहाँ पर कंपेयर किया, तो वो कंपेयर आपने जब किया था तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है वो l था ना l। इसका मतलब अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, x की जगह पर l लिखो। ठीक है, तो ये आपकी l की वैल्यू निकल के आ गई है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल होगा वही आपको लिखना है, 20 मीटर। तो ब्रेथ तो आप निकाल ही सकते हो, बी क्या था आपके पास, बी आपके पास था 40 माइनस एल, इसका मतलब 40 माइनस 20 तो कितना आ गया, वो भी आपका 20 मीटर ही आ गया। तो लेंथ ऑफ पार्क आपके पास निकल के आ गई यहाँ पर, जिसको आपने एल माना था वो आपके पास आ गई 20 मीटर, और ब्रेथ ऑफ पार्क आपकी यहाँ पर निकल के आ गई जिसको आपने बी माना था वो भी आ गई आपकी 20 मिनट। ये था आपके पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।